Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमारे चैनल के अबाउट में जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का फॉर्म फिल करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। फीमेल्स के लिए अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप फॉर्म भर के उसमें ऐड हो सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल के अबाउट में हिंदी ऑडियो शायरी एक दूसरे यूट्यूब चैनल का भी लिंक है, आप जाकर उसको भी सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको अबाउट में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप अपनी वीडियोस के लिए कोई म्यूज़िक चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अबाउट में दिया हुआ है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑडियो म्यूज़िक फैक्ट्री को वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अब ले चलती हूं आपको वीडियो की ओर। इस प्रकार से सुग्रीव का हित करने वाले कपिराज हनुमान जी ने लंकापुरी में प्रवेश कर मानो शत्रुओं के सिर पर अपना बायां पैर रख दिया। वे राजमार्ग का आश्रय ले उस रमणीय लंकापुरी की ओर चले। वहां पर स्वर्ण निर्मित विशाल भवनों में दीपक जगमगा रहे थे, कहीं नृत्य हो रहा था और कहीं सुरा पीकर मस्त हुए राक्षस अनर्गल प्रलाप कर रहे थे। हनुमान जी ने देखा बहुत से राक्षस मंत्रों का जाप करते हुए स्वाध्याय में तत्पर थे। कोई जटा बढ़ाए तो कोई मुड़ मुड़ाए, रावण के अनेक गुप्तचर भी उन्हें दृष्टिगत हुए। हनुमान जी ने नगर के सब भवनों और एकांत स्थानों को छान डाला, परंतु कहीं भी सीता नहीं दिखाई दी। अंत में उन्होंने सब ओर से निराश होकर रावण के उस राजप्रसाद में प्रवेश किया जिसमें लंका के मंत्री, सचिव, प्रमुख सभासद निवास करते थे। उन सब का भली भांति निरीक्षण करने के पश्चात वे रावण के अत्यंत प्रिय बृहदशाला की ओर चले। वहां की सीढ़ियां रत्न जड़ित थी, स्वर्ण निर्मित वातायन दीपों के प्रकाश से जगमगा रही थी। स्थान स्थान पर हाथी दांत का काम किया हुआ था, छते और स्तंभ मणियों तथा रत्नों से जड़े हुए थे। इंद्र के भवन से भी अधिक सुसज्जित इस भव्य शालों को देखकर हनुमान चकित रह गए। उन्होंने एक ओर स्फटिक के सुंदर पलंग पर रावण को मदिरा के मद में पड़े देखा, जो कि अनिंद सुंदरियों से घिरे हुए था। उसके नेत्र अर्ध निमिलित हो रहे थे, अनेक रमणियों के वस्त्राभूषण अस्त व्यस्त हो रहे थे और वे सुरा के प्रभाव से अछूती भी नहीं थी। वहां भी सीता को ना पाकर पवन सुत बाहर निकल आए। फिर हनुमान जी ने रावण के अन्य निकट संबंधियों के निवास स्थानों में सीता की खोज की, किंतु वहां भी उन्हें असफलता ही मिली। तत्पश्चात हनुमान ने रावण की पटरानी मंदोदरी के भवन में प्रवेश किया। अपने शयनागार में मंदोदरी एक स्टिफिट पलंग पे, श्वेत पलंग जो था, उस पर सो रही थी। उसके शैया के चारों ओर रंग बिरंगी सुवासित पुष्प मालाएं झूल रही थी। उसके अद्भुत रूप, लावण्य, सौंदर्य एवं यौवन को देखकर हनुमान जी के मन में विचार आया, संभवतः यही जनक नंदिनी सीता है।
परंतु उसी क्षण उसके मन में एक और विचार उठा, ये सीता नहीं हो सकती, क्योंकि रामचंद्र जी के वियोग में पतिव्रता सीता ना तो सो सकती हैं, ना इस प्रकार आभूषण आदि पहनकर श्रृंगार ही कर सकती हैं। अतः ये स्त्री अनुपम लावण्यमयी होते हुए भी सीता कदापि नहीं है। यह सोचकर वे उदास हो गए और मंदोदरी के कक्ष से बाहर निकल आए। अकस्मात वे सोचने लगे, आज मैंने पराई स्त्रियों को अस्त व्यस्त वेश में सोते हुए देखकर भारी पाप किया है। वे इस पर पश्चाताप करने लगे। फिर यह विचार कर उन्होंने अपने मन को शांति दी कि उन्हें देखकर उनके मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए यह पाप नहीं। फिर जिस उद्देश्य के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है उसकी पूर्ति के लिए मुझे अनिवार्य रूप से स्त्रियों का अवलोकन करना पड़ेगा, इसके बिना मैं अपना कार्य कैसे पूरा कर सकूंगा। फिर वे सोचने लगे, मुझे सीता जी कहीं नहीं मिली, रावण ने उन्हें मार तो नहीं डाला, यदि ऐसा है तो मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ गया। नहीं, मुझे अभी यह नहीं सोचना चाहिए, मैं जब तक लंका का कोना कोना ना छान मारूं तब तक मुझे निराश नहीं होना चाहिए। यह सोचकर अब उन्होंने ऐसे ऐसे स्थानों की खोज आरंभ की जहां तनिक भी असावधानी उन्हें यमलोक तक पहुंचा सकती थी। उन स्थानों में उन्होंने रावण द्वारा हरी गई अनुपम सुंदर नाग कन्याओं और किन्नरियों को भी देखा, परंतु उन्हें सीता नहीं मिली। सब ओर से निराश होकर उन्होंने सोचा, मैं बिना सीता जी का समाचार लिए लौटकर किसी को मुख नहीं दिखा सकता, इसलिए यहीं रहकर उनकी खोज करता रहूंगा अथवा प्राण दे दूंगा। यह सोचकर उन्होंने सीता को खोजने का कार्य बंद नहीं किया। हनुमान जी सीता की खोज के लिए अपने निश्चय पर अधिक हो गए। उन्होंने प्रण लिया कि जब तक मैं यशस्वी सीताम पत्नी सीता का दर्शन न कर लूंगा तब तक इस लंकापुरी में बारंबार उनकी खोज करता रहूंगा। इधर यह अशोक वाटिका दृष्टिगत हो रही है जिसके भीतर अनेक विशाल वृक्ष हैं। इस वाटिका में मैंने अभी तक अनुसंधान नहीं किया, अतः अब इसी में चलकर जनक कुनारी वैदेही को ढूंढना चाहिए। यह अशोक वाटिका चारों ओर से ऊंचे परकोटों पर घिरी हुई थी, अतः वाटिका के भीतर जाने के उद्देश्य से हनुमान जी उसकी चार दीवारी पर चढ़ गए। उन्होंने देखा वहां साल, अशोक, निम और चंपा के वृक्ष भरी भांति खिले हुए थे। बहुबाल, नागकेसर, बंदर के मुख की भांति लाल फल देने वाले आम भी पुष्प मंजरियों से सुशोभित हो रहे थे। अमराइयों से युक्त ये सभी वृक्ष 100% लताओं से आविष्ट हो रहे थे। हनुमान जी की प्रत्यंचा से छूटे हुए बाण के समान उछले और वृक्षों की वाटिका में जा पहुंचे। यह विचित्र वाटिका स्वर्ण और रजत के समान वर्ण वाले वृक्षों से सब ओर घिरी हुई थी और नाना प्रकार के पक्षियों के कलरों से गुंजायमान हो रही थी। भांति भांति के विहंगमों और मृग समूहों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। वह विचित्र काननों से अलंकृत थी और नवोदित सूर्य के समान अरुण रंग की दिखाई देती थी। फूलों और फलों से लदे हुए नाना प्रकारों के वृक्ष से व्याप्त हुई उस अशोक वाटिका का मतवाले कोकिल और भ्रमर सेवन करते दिखाई दे रहे थे। मृग और द्विज मदमस्त हो उठते थे। मतवाले मोरों का कलनाद वहां निरंतर गूंजता रहता था। वाटिका में जहां तहां विभिन्न आकारों वाली बावड़ियां थी जो उत्तम जल और मणिमय सोपानों से युक्त थी। जल के नीचे फर्श स्फटिक मणि की बनी हुई थी और बावड़ियों के तटों पर तरह तरह के विभिन्न स्वर्णमय वृक्ष शोभा दे रहे थे। उनमें खिले हुए कमलों के वन, चक्रवाकों के चोड़े, पपीहा, हंस और सारस वहां की शोभा बढ़ा रहे थे। उस अशोक वाटिका में विश्वकर्मा के बनाए हुए बड़े बड़े महल और कृत्रिम कानन सब ओर से उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। तदंतर महाकवि हनुमान ने एक सुवर्णमयी शिशंपा अशोक के वृक्ष को देखा जो बहुत से लता वितानों और अगणित पत्तों से व्याप्त था तथा सब ओर से
स्वर्णमयी वेदिकाओं से घिरा था। महान वेगशाली हनुमान जी उस अशोक वृक्ष पर यह सोचकर चढ़ गए कि मैं यहीं से श्री राम जी के दर्शन के लिए उत्सुक हुई विदेह नंदिनी सीता को देखूंगा, जो दुख से आतुर हो इच्छा अनुसार इधर उधर आती होंगी। यह प्रातः काल की संध्योपासना का समय है, संध्याकालिक उपासना के लिए वैदेही अवश्य यहाँ पधारेंगी। ऐसा सोचते हुए महात्मा हनुमान जी नरेंद्र पत्नी सीता के शुभागमन की प्रतीक्षा में तत्पर हो उस अशोक वृक्ष पर छिपे रहकर उस संपूर्ण वन पर दृष्टिपात करते रहे। उस अशोक वाटिका में वानर शिरोमणि हनुमान ने थोड़ी ही दूर पर एक गोलाकार ऊंचा 1000 खंभों वाला गोलाकार प्रसाद देखा, जो कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण का था। उसमें मूंगे की सीढ़ियां बनी हुई थी तथा तपाए हुए सोने की वेदियां बनाई गई थी। उनकी दृष्टि वहां पर एक सुंदरी स्त्री पर पड़ी, जो मलिन वस्त्र धारण किए राक्षसियों से घिरी हुई बैठी थी। अलंकार शून्य होने के कारण वह कमलों से रहित पुष्करणी के समान श्रीहीन दिखाई पड़ती थी। वह शोक से पीड़ित, दुख से संतृप्त और सर्वथा क्षीणकाय हो रही थी। उपवास से दुर्बल हुई उस दुखिया नारी के मुंह पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वह शोक और चिंता में मग्न हो दीनहीन दशा में पड़ी थी, उसके निरंतर दुख में ही डूबी रहती थी। काली नागिन के समान कटी से नीचे तक लटकी हुई एकमात्र काली वेड़ी द्वारा उपेक्षित होने वाली वह नारी बादलों के हट जाने पर नीली वंशरेणी से घिरी हुई पृथ्वी के समान प्रतीत होती थी। हनुमान जी ने अनुमान लगाया, हो ना हो यही सीता है। इन्हीं के वियोग में दशरथ नंदन राम व्याकुल हो रहे हैं। यह तपस्विनी ही उनके हृदय में अक्षुण रूप से निवास करती है। इन्हीं सीता को पुनः प्राप्त करने के लिए रामचंद्र जी ने बाली का वध कर सुग्रीव को उनका खोया हुआ राज्य दिलाया है। इन्हीं को खोज पाने के लिए मैंने विशाल सागर पार करके लंका के भवन अट्टालिकाओं की खाक छानी है। इस अद्भुत सुंदरी को प्राप्त करने के लिए रघुनाथ जी सागर पर्वतों सहित यदि संपूर्ण धरातल को भी उलट दें तो कम है। ऐसी पति प्राणायणा साध्वी देवी के सम्मुख तीनों लोकों का राग और 14 भुवन की संपदा भी तुच्छ है। आदि या महाप्रतापी राक्षस राज रावण के पंजों में फंसकर असहाय कष्ट भोग रही है। मुझे अब इस बात में तनिक भी संदेह नहीं कि यही सीता है, जो अपने देवता तुल्य पति के प्रेम में के कारण अयोध्या के सुख वैभव का परित्याग करके रामचंद्र के साथ वन के कष्टों को हंस हंस कर झेलने के लिए चली आई, और जिसे नाना प्रकार के दुखों को उठाकर भी कभी वन में आने का पश्चाताप नहीं हुआ। वही सीता आज इस राक्षसी घेरे में फंस कर अपने प्राणनाथ के वियोग में शोक स्वर कांटा हो गई है, किंतु उन्होंने अपने सतीत्व पर किसी प्रकार की आंच नहीं आने दिया, इसमें संदेह नहीं। यदि इन्होंने रावण के कुत्सित प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया होता तो आज इनकी यह दशा न होती। राम के प्रति इनके मन में कितना अटल स्नेह है, या इसी बात से सिद्ध होता है कि ना तो ये अशोक वाटिका की सुरम्य शोभा को निहार रही हैं, ना इन्हें घेर कर बैठी हुई निशाचरियों को। उनकी एकमात्र दृष्टि एक टक पृथ्वी में राम की छवि को निहार रही है। सीता की दीनहीन दशा को देखकर भावुक पवनसुत के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो चली। वे सुदबुद भूल कर निरंतर आंसू बहाने लगे। कभी वे सीता जी की दीनहीन दशा को देखते और कभी रामचंद्र जी के उदास दुखी मुखमंडल का स्मरण करते। इसी विचारधारा में डूबते उतराते रात्रि का अवसान होने और प्राची का मुखमंडल उषा की लालिमा से सुशोभित होने लगा, तभी हनुमान जी को ध्यान आया, रात्रि समाप्त हो रही है। वे चैतन्य होकर ऐसी युक्ति पर विचार करने लगे जिससे वे सीता से मिलकर उनसे वार्तालाप करके उन तक श्री रामचंद्र जी का संदेश पहुंचा सके। राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल की तरफ से रामायण का 42वां एपिसोड लेकर हम पुनः आपकी सेवा में हाजिर हैं। आशा है पूर्व की भांति
इस एपिसोड को भी आपका प्यार और स्नेह हमें मिलता रहेगा। एपिसोड पसंद आने पर उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।